किसानों का मुआवजा मांग। पिछले दिनों बाढ़ ने तबाही की थी। गरियाबंद जिले भर में कई किसान के खेत रेत से ढक गए, फसल भी चौपट हो गए। ऐसे में हताश किसान अपने फसल के मुआवजे के लिए कलेक्टर से गुहार लगाने गरियाबंद पहुंच गए। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर से मुलाकात कर मुआवजे की मांग की है। जिलाधीश ने भी किसानों को बाढ़ से हुए क्षति पर उचित कदम उठाते हुए क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया है। किसान संघ गरियाबंद के पदाधिकारी लोग अभी कलेक्टरेट में उनके आवेदन लेके आए थे। इसमें 15 दिन पहले जो अतिवृष्टि यहाँ पे हुई थी, लगभग 200 मिलीमीटर बारिश गरियाबंद विकासखंड में हुई थी, उसी कारण कुछ जगह पे पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है। उसके साथ साथ किसान लोगों के खेत भी बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुए थे। कुछ जगह पे पूरे खेत बह गए थे तथा कुछ जगह पर पूरा रेत से पटे गए थे। तो इसका पूरा मुआवजा का प्रकरण जल्द बनाया जा रहा है। इसके साथ भी पीएमजेएसवाई के कुछ सड़क तथा कुछ नालों की मरम्मत का भी जो विषय अभी किसान संघ वालों ने सामने रखा है, उसका भी पूरा प्रक्रियाधीन है। आगामी कुछ दिनों में उसको राज्य शासन स्तर पर भेजा जाके सैंक्शन किया जाएगा, ताकि जो क्षति हुई है उसको ठीक किया जा सके और किसान लोगों को खासतौर पर जो नुकसान हुआ है उसको RBC 6-4 के अंतर्गत मुआवजा प्रदान किया जाएगा। किसानों ने मुआवजा ही नहीं बल्कि अपनी 4 सूत्रीय मांग भी रखी है। किसान कलेक्टर को अपनी समस्या गिनाते हुए पैरी घूमर और बहाना महुआ, नहर नाली मरम्मत, पंडरी पानी, जितरी डूमर, नहर गांव, नागाबुड़ा में तटबंध सहित अतिवृष्टि से क्षति हुए मकान की क्षतिपूर्ति की मांग रखी है, क्योंकि किसानों का मानना है इसके कारण अतिवृष्टि में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान के इन मांगों पर भी कलेक्टर ने तत्वरी कदम उठाने की बात कही है। मैं जानूराम ध्रुव हूँ, जितरी डूमर का ग्राम पंचायत से। बाढ़ हमारे खेत खार ने बहुत पटा गया है और मेड़ पार ने फूट गया है, उसको बांधने के लिए कलेक्टर के पास आए थे आवेदन देने के लिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन आश्वासन कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, इसको तुरंत मैं अधिकारी को भेज रहा हूँ, वहाँ तुरंत करवाऊँगा। इस टाइप के कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है, बताया है। जो बाढ़ में जो किसानों का क्षति हुआ है उसी के मामले में आज हम लोग कलेक्टर के पास ज्ञापन देने आए थे। किसानों का इसमें बहुत क्षति हुआ है, मतलब रेत पड़ गया पूरा फसल में, उसका इससे बहुत बड़ी उनकी क्षति हुई है। क्योंकि संबंध में कलेक्टर साहब ने बोले हैं कि तत्काल जल्दी इसका मतलब ये करेंगे, PWD से चाहे RES से जो भी, जल्दी इसका करेंगे, निदान करेंगे करके बोले हैं। उसी के संबंध में आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन TV।